नमस्कार दोस्तों, प्रदीप श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। देखिए, मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे काफी सारे वीडियोस डालता रहता हूँ और अपने आई एम श्योर यू मस्ट हैव सीन मोस्ट ऑफ द वीडियोस, बिकॉज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो सेगमेंट है वो एक शाइनिंग इंडस्ट्री की तरह इवॉल्व हो रही है और एक रेवोल्यूशन है। इनफैक्ट अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ट्रांसपोर्टेशन पे इसको आपने तवज्जो नहीं दिया है तो प्लीज जरूर दीजिएगा। मैं इस पे हमेशा पोस्ट करता रहता हूँ बिकॉज 2025 में इट्स गोइंग टू बी वन ऑफ द शाइनिंग इंडस्ट्री। सो देयर इज अ न्यू डेवलपमेंट कि जो पीएम ई ड्राइव जो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सब्सिडी पे, वो उन्होंने रेस्टोर कर दिया है। ये आज की न्यूज है, लेटेस्ट न्यूज है और इसके बारे में मैं आपको डिटेल में डिस्कस करना चाहता हूँ। बट बिफोर आई डिस्कस दिस, लेट्स वॉच अ लिटिल मोर अबाउट इट। चलिए देखते हैं क्या है। सबसे बड़ी बात, इंडिया की जो ईवी मार्केट है इस फेस्टिव सीजन में जो पिछले महीने खत्म हुआ है, एक काफी बड़ा जो है डेवलपमेंट दिखा गया जो कि एक स्लंप के बाद आया। जो ईवी सेक्टर है वो ऑलरेडी एक रोल पे है और पिछले 10 महीनों में ये ऑलरेडी 1.5 मिलियन की फीट जो है अचीव कर चुकी है इन अ फुल 12 मंथ्स लास्ट। सो पिछले 1.5 मिलियन का मार्क इसने ऑलरेडी कर लिया है, विच इज अ ग्रेट न्यूज। तो मुझे लगा कि आपसे शेयर करना चाहिए। तो ये फेस्टिवल सीजन इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट के लिए बड़ा अच्छा रहा, इसने डिक्लाइन को रिवर्स किया है। रजिस्ट्रेशन जो है 217,716 पहुंच गई, रिप्रेजेंटिंग 35% रिकवरी फ्रॉम 1,602,237 यूनिट सोल्ड इन सितंबर। सो सितंबर में जो है, जब मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 160,237 यूनिट्स सेल हुए थे, जबकि अक्टूबर में 217,716 व्हीकल सेल हुए हैं। इसका मतलब देयर इज अ रिकवरी ऑफ 35%। सो ये एक तरह से हाईएस्ट मंथली फिगर है अप टू डेट, राइट? एज ऑन डेट ये सबसे हाईएस्ट फिगर है। सो मार्च में जो है, पिछले मार्च में सबसे बड़ा हाई हुआ था, ओला हुआ था 213,063 यूनिट्स का, जिसको इसने क्रॉस कर दिया है। वो तब हुआ था जब सेकंड फेज फेम टू का जो है गवर्नमेंट ने रिलीज किया था, जिसका मतलब है फास्टर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। फेम टू पे भी मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था कुछ महीने पहले, उसको भी जरूर देखिएगा। सो कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो मार्केट है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जिसको इग्नोर करना ठीक बात नहीं होगा, ठीक है। सो टोटल जो है, अक्टूबर तक जो टोटल सेल हुई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की इंडिया में वो हुई है 16,11,815, विच इज अ बिग बिग नंबर। अगर आप उसको एवरेज आउट करें महीने के हिसाब से तो 1,00,000 से ज्यादा गाड़ियां जो है हर महीने बिक रही हैं। सो मेरे कहने का मतलब ये, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मार्केट बढ़ता जा रहा है और इस पे गवर्नमेंट का फोकस है। गवर्नमेंट ने पीएम ई ड्राइव जो स्कीम है उसको रिस्टोर कर दिया है, जिसके वजह से एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मार्केट में और बूस्ट मिलेगा। और जैसे मैंने अभी आपको कुछ दिन पहले ही मैंने एक पोस्ट किया है जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ट्रांसपोर्टेशन के बारे में है। वह नेसेसरली क्या बताता है, वो ये बताता है कि जो लॉजिस्टिक इंडस्ट्री है, जो ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री है इंडिया में, इसमें रिवोल्यूशनरी चेंज हो रहा है और सारी व्हीकल्स धीरे से जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ही कन्वर्ट होंगी, बिकॉज दैट इज द नीड ऑफ द डे और सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अदरवाइज दे विल नॉट गेट ऑर्डर्स, राइट? इलेक्ट्रिक, सो उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। सो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स जो है पर्टिकुलरली जो इसकी सेल्स है करीब 50% से बढ़ गई है। सितंबर में 90,372 यूनिट हुई थी, जबकि अभी जो हुई है 139,097 यूनिट हुई है। 139,097 यूनिट्स आर सोल्ड इन अक्टूबर इन कंपैरिजन टू सितंबर व्हिच वाज 90,372 यूनिट्स। When we talk about electric three-wheeler vehicles, it has rolled up by 7%. Total units sold is 67,170 units in October in comparison to 62,901 units. So the industry is growing. There is enhanced services which is happening. There is a government focus, and this is going to be one of the shining industry in the coming year in 2025. The early someone invest, the more he or she will benefit. So I think, you know, that's the only signal I'm giving, because my job is to only, you know, give you studies, and your job is to probably research and, you know, consult your financial consultants and take a decision. So this is the development, guys. So let me also tell you what has happened in the latest news. So the center has restored all the SOPs for the sale of cargo electric three-wheelers market as per Economic Times, and this is a great news. Subsidies for eligible electric three-wheeler vehicles, which is called L5 sales in the country, will now be available at a reduced rate of 2,500 per kilowatt, capped at rupees 25,000 per unit. This is half the original subsidy.
लेकिन एक सब्सिडी मिली है, सबसे बड़ी अच्छी बात यह है। जो ये सो कहने का मतलब यह है, पीएम ई ड्राइव स्कीम, जो पीएम ई ड्राइव स्कीम है वो प्रमोट करती है सेल्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का और टू और थ्री व्हीलर्स दैट आर लोकली मेड। मतलब जो इसका कंटेक्स बताता हूँ, जो पीएम ई ड्राइव स्कीम है वो प्रमोट करती है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स एंड थ्री व्हीलर्स जो कि लोकली मेड होती है, और गवर्नमेंट ने वो सब्सिडी का जो बंद किया था उसको दोबारा रिस्टोर कर दिया है और कुछ दिन में ये स्टार्ट हो जाएगा। इसकी वजह से कार्गो इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर व्हीकल्स और बाकी का जो है सेल बढ़ने की उम्मीद है। ठीक है, सो मोटा मोटा कहने का मतलब ये है सॉरी कि सेंटर ने सब्सिडी को रिस्टोर कर दिया है कार्गो यू नो इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर व्हीकल्स के लिए, लोअर पर यूनिट सब्सिडी हो गई है, जो भी नई सेल्स होंगी कंपनीज को इंसेंटिव कंटिन्यूड रहेगा। ठीक है, सो टोटल पीएम ई ड्राइव एलोकेशन जो इसमें हुई है वो करीब 10,900 करोड़ की हुई है। जितने भी ओईएम्स हैं और जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको एक बूस्ट मिलेगा, मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और बिकेंगी और ये मार्केट जो है एक फ्यूचर जनरेशन का मार्केट है। इसमें जो कंपनीज यू नो मैन्युफैक्चरर्स हैं या ऑटो एंसिलरीज हैं जो मैंने ऑलरेडी वीडियो में डिटेल वीडियो डाल रखी है उसको जरूर देखिए, और उन 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 10 कंपनीज को 5 मैंने मैन्युफैक्चरर्स की डाली हुई है, 5 मैंने यू नो ओईएम्स की डाली हुई है जो कि एंसिलरी यूनिट्स हैं, उनके उन उन कंपनीज को स्टडी करिए और अपने कंसल्टेंट से कंसल्ट करिए, रिसर्च करिए, एंड इट वुड बी एडवाइजेबल कि द अर्ली यू इन्वेस्ट द बेटर। सो ये मेरा वीडियो है, सो आई थॉट यू नो आई शुड कवर दिस पॉइंट एंड आई शुड कीप यू अपडेटेड ऑन द इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट्स एंड व्हाई इट इज गोइंग टू इंक्रीज एंड व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी अहेड। सो लेट्स लुक फॉरवर्ड एंड आई एम श्योर यू मस्ट हैव लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। नमस्कार।